नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ग्रो पूंजी में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं HDIL स्टॉक के बारे में, जिसकी प्राइस चल रही है 4.80 और इस स्टॉक में लगा हुआ है 4% का अपर सर्किट। दोस्तों कंटिन्यू में HDIL में 8.5-9 रुपए की प्राइस से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था और इस टाइम पर हमें इस स्टॉक में एक अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि 9 रुपए की प्राइस से हमें कंटिन्यू एक डाउनफॉल देखने को मिला है, यानी कि ऑलमोस्ट इस स्टॉक में 40 से 50% का फॉल देखने को मिला, लेकिन स्टॉक ने 5 रुपए की प्राइस से एक रिवर्सल दिखाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 13 मई को इस स्टॉक में जो रिवर्सल आया है वहां पर हमें छोटा सा अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है, लेकिन इस टाइम पर इस स्टॉक में हमें किसी भी प्रकार का कोई वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है और डेली पर अभी भी HDIL ट्रेड कर रहा है 200 EMA के नीचे। यानी कि दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में न्यू एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो इस टाइम तो वेट करें, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है तो दोस्तों आप इस स्टॉक में 5 रुपए का SL मेंटेन करके होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर ये 5 रुपए के नीचे क्लोजिंग देता है डेली पर तो हमें इस स्टॉक में नीचे की तरफ 4 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और 4 रुपए का जो सपोर्ट है वो बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये 4 रुपए के नीचे जाएगा उसके बाद में हमें बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, तब तक हमें इस स्टॉक में बड़ा फॉल देखने को नहीं मिलेगा, या फिर आप 4 रुपए का SL मेंटेन करके चल सकते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक में आप मिनिमम क्वांटिटी ही ले, ज्यादा क्वांटिटी का इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी HDIL कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 230 करोड़ का या 250 करोड़ का और कंपनी के ऊपर 2000 करोड़ से ज्यादा का डेप्ट है, यानी कि बहुत ही ज्यादा डेप्ट है और ऐसी कंपनी में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसलिए आप ज्यादा अमाउंट का रिस्क ना ले, अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो मिनिमम ही रिस्क ले जिससे आपका पोर्टफोलियो डैमेज ना हो। और ये जो हमें अपट्रेंड देखने को मिला है उसका एक रीजन मार्केट भी है, जहाँ मार्केट में हमें आज के दिन काफी अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला है। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक में अपर सर्किट लगने पर आप ये एज्यूम ना करें कि अब से इस स्टॉक में अपर सर्किट ही लगेगा, क्योंकि HDIL में कुछ न्यूज चल रही है, अगर वो न्यूज कन्फर्म होगी उसी के बाद में हमें इस स्टॉक में बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। जब तक वो न्यूज कन्फर्म नहीं होती है कि अडानी HDIL कंपनी को अक्वायर करेंगे, स्टेक लेंगे, तब तक वो न्यूज क्लियर नहीं होगी, तब तक बड़ा टारगेट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप मिनिमम रिस्क लेकर इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, 4 रुपए का SL लेके आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की, जो है इंडियन इंफोटेक, जिसकी प्राइस चल रही है 3.58 और इस स्टॉक में भी 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी भी इंडियन इंफोटेक डेली पर ट्रेड कर रहा है 200 EMA के नीचे और वीकली पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 50 EMA के नीचे। ऑलरेडी इसने अपना एक सपोर्ट ब्रेक किया था, उसके बाद में हमें इंडियन इंफोटेक के स्टॉक में 3.30 के भी टारगेट देखने को मिले थे। तो दोस्तों आप इस स्टॉक में अभी एंट्री लेने के बारे में ना सोचे, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि स्टॉक में हमें अपर सर्किट तो देखने को मिला है लेकिन किसी भी प्रकार का कोई बड़ा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मार्केट की वजह से अपट्रेंड आया है। हो सकता है कल के दिन या परसों के दिन फिर से हमें इस स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिले, इसलिए आप सिर्फ अपर सर्किट देखकर किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने का ना सोचे। वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो हमें इस स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप इंडियन इंफोटेक में अभी वेट करें। HDIL में एक बार के लिए आप एंट्री लेने का सोच सकते हैं, बट मिनिमम रिस्क लेके। अब दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।